ब्रेकिंग न्यूज। लखनऊ थाना गुडम्बा अंतर्गत आने वाले स्पोर्ट कॉलेज के सामने सरकारी राशन दुकानदार की सरे सह गुंडाई। चरम सीमा पर सरकारी राशन की दुकान शशि श्रीवास्तव के नाम, लेकिन वहां पर दबंग किस्म के पप्पू नामक युवक कर रहा है दबंगई। जहां पर राशन वितरण हो रहा है वह जगह बना है गंदगी का अंबार। वहां पर राशन लेने आने वाले सभी गरीब तबके के लोगों से करता है अभद्र भाषा का प्रयोग। आदेश सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक राशन बांटने का, लेकिन यहाँ के दबंग पप्पू नामक युवक अपनी दबंगई पर दुकान खुलवा आता है 11 बजे और शाम 4 बजे बंद कर देता है। यहाँ पर राशन लेने आए हुए लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का यह दबंग किस्म का पप्पू दुकान खोलता है 11:00 बजे। सभी आदेशों को ताक पर रखते हुए यहाँ की जनता को धूप में खड़ा करवाता है यह दबंग पप्पू। यहाँ पर जितने भी लोग राशन लेने आए हुए हैं, सभी लोगों ने बताया कि यह पप्पू हम लोगों से अभद्र भाषा में बात करता है और राशन नहीं देता है। नाम क्या है? संध्या। कल क्या कह रहे थे कोटेदार आपसे? जो है पहले कहने लगे कि आप लोग जाइए, मतलब हम लोग सुबह से लाइन लग के एक बार गए थे नहाने खाने के लिए जी, 2:30-3 बजे वही करीब गए। हाँ। उसके बाद खाना वाना खा के और महिलाएं हमारे मोहल्ले की थी, कहने लगी चलो अब चल के देखते हैं, अगर भीड़ कम हो गई होगी तो राशन मिल जाएगा जी। तो हम दोबारा आए, दोबारा कहने लगे आप लोग जाइए। हाँ। तो और हमारे साथ की लेडीज सब लाइन में लगी थी। हाँ। तो हम भी लगे रहे, हम नहीं हटे। तो हमसे कह रहे हैं, हमने आपसे कहा है आप जाइए। 2-3 बार डांट के उनको बहुत जोर फटकारा। सब लोग लाइन में आगे खड़े थे तो हमसे कह रहे आप जाइए। तो सर हम पीछे उधर जाके लग गए, बहुत देर तक रोते रहे, फिर उसके बाद वापस चले गए। तो कल आपको राशन नहीं दिया गया? राशन नहीं सर, खाली पर्ची कट रही थी, पर्ची नहीं कट रही थी। फिर पुलिस वाले आए थे हमारे साथ। हाँ। तो उन्होंने हमारी पर्ची कटवाई, तब हम पर्ची लेके शाम को 6 बजे घर गए। शाम को, यानी जब पुलिस प्रशासन आया है तो उन्होंने पर्ची कटाई, आपको पर्ची दी, उसके बाद आप चले गए थे। उसके बाद कुछ कह रहे थे? नहीं, उसके बाद सर में कोई बात नहीं हुई। आज हम अभी नहीं, ये कह रहे थे किसी महिला को लड़ा दिए पप्पू। हाँ, ये तो हमको बाद में सुनने को मिला है कि कोई इसी टोले की औरत है जिसको लड़ा दिया। ठकेल रहे थे, मतलब भीड़ में ठकेल रहे थे तो किसी दीवाल वाल पे लड़ी। अब हमने देखा नहीं है सर, मगर हमने सुना, हम जा चुके थे। 11 बजे से बांट रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ कौन पप्पू नाम का व्यक्ति कौन है, कर्मचारी कौन है, उसको पहले बुलवाइए। कर्मचारी वही पप्पू जी हैं यहाँ पे, जो है पप्पू जी हैं कोई? मैं सुनने में आया था महिला से ज्यादा अभद्रता करते हैं। हम तो यहाँ थे नहीं। कर कौन है, मालिक कौन है? आप लोग बातचीत हमारे सबके सामने नहीं, हम तो आज बात कोटा मालिक आप ही हैं? नहीं, श्रीवास्तव। वो कहाँ है? वो घर पे होंगे। क्यों, उनकी तो उपस्थिति जरूरी है ना, मेन मालिक नहीं है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? हमारा? हाँ, मोहन। मोहन कहाँ रहते हैं? तो यहीं गांव में रहते हैं। यहीं गांव में रहते हैं। तो आप बांट रहे हैं, वो नहीं आती हैं? कौन? इनका कोटा है। आती हैं, लेकिन जरूरत पड़ती तो आती हैं। वो कर थोड़ी पाएंगे, वो सब का आदमी लगाए हुए हैं। पप्पू कौन है पहले ये बताओ? पप्पू इसकी देखभाल करते हैं वही हैं। हाँ, बुलाओ उसे जाओ।